उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलें जी, आज व्लॉग का स्टार्ट हमने लिया है शाम से और शाम हो रही है, हमने चाय शाय पी लिए तो अभी बस बाहर निकलने लगे थे। तो बाहर हम कहाँ जा रहे हैं तो आपको बताऊंगी, आप साथ ही रहिएगा। तो आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रेस द बेल आइकन लाजमी करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करना है, कॉमेंट्स भी करना है। तो चलें आप हमारे साथ रहें, तो हमारे साथ चलें हम जमजा। तो जी आज हम आए हैं चेज़अप, और चेज़अप की जो लोकेशन है वो है मेन जेल चुरंगी है, वहाँ पर इसकी लोकेशन है। क्योंकि वैसे तो चेज़अप जो है चेज़ वैल्यू सेंटर, इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन आज हम आए थे जेल चुरंगी वाली ब्रांच में और हम फर्स्ट टाइम आए हैं इधर। तो हमने कहा चलें यहाँ से विज़िट करते हैं कैसा है। तो अंदर आए, इंटर हुए हैं, तो अभी घर के लिए कुछ मैंने जो है, आपको पता है मैं बता रही थी कि घर की थोड़ी सेटिंग वेटिंग करनी है, तो उसके लिए मुझे थोड़े से बर्तन और इस तरह की तो डेकोरेशन आइटम चाहिए थे। तो बस वही मैं देख रही थी यहाँ से, और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर जो है, कांच की, शीशे की, पर ये कि एक्सपेंसिव थी थोड़ी सी। आपको पता है कि जैसे महंगाई हुई है तो ज़ाहिर है प्राइसेस भी ज़्यादा हाई हो गए हैं, तो सबकी थोड़ी थोड़ी प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं। तो बस इधर से जो है मैं पसंद कर रही थी जो जो मुझे लेना है, तो वो मैं ले के रखे, ट्रॉली में रखती जा रही थी जो चाहिए था मुझे। तो इंशाल्लाह वो जो भी लूँगी, इंशाल्लाह जब मैं सेट कर लूँगी घर तो आपको सब दिखाऊँगी। और ये सारे जो हैं ये दस्तरखान हैं, मैट वगैरह जो हैं दस्तरखान बड़े अच्छे लग रहे थे, सारी अच्छी क्वालिटी के थे, और बस ये कि थोड़े से सही थे, इतनी प्राइसेस ज़्यादा भी नहीं थी, कम भी नहीं थी। और यहाँ जो है सारा बेकिंग का आइटम था, सारा जो है आप केक्स वगैरह बनाते हैं बेकिंग के लिए, और जार वगैरह थे जिसमें आप दालें वगैरह रख सकते हैं। तो इधर काफ़ी सारा सामान, ये जो है सारा बेकिंग का एरिया था पूरा ज़्यादा। तो बस यहाँ से जो है हमने खाना बनाने वाली देसी वगैरह लेनी थी, तो वो मैं देख रही थी कि कैसी है, अच्छी है कि नहीं। और बस उसके बाद मैंने डिनर सेट लेना था, तो काशिफ कह रहे हैं इस दफ़ा आप प्लास्टिक का छोड़ो तो कांच का ले लो। तो मैं कांच की प्लेटें देख रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे। तो काफ़ी ये कांच का जो है ना डिनर सेट काफ़ी महंगा था, लेकिन ये कि पसंद आया लेकिन एक्सपेंसिव लगा, तो इस वजह से मैंने वो जो है नहीं लिया। मैंने कहा चले ऐसा करेंगे हम ना, इसकी जो मार्केट होती है मेन जो मार्केट होती है ना, वहाँ से लेके आएंगे डिनर सेट। तो बस नीचे से हमने वो चीज़ें देखी हैं जो लेना था वो लिया, ऊपर आ गए। ऊपर जो है यहाँ पर शूज़ वगैरह मैं देख रही थी, क्योंकि मेरे शूज़ जो हैं वो फट चुके थे, जो मैं पहन के अक्सर जाती थी वो ख़राब हो गए थे। तो मैंने कहा चले शूज़ ले लेते हैं। बाकी इधर बच्चे जो हैं अपनी स्कूल के लिए चीज़ें वगैरह देख रहे थे, पेंसिल रेज़र वगैरह, बच्चों को ज़्यादातर यही चीज़ पसंद आती हैं। और यहाँ डेकोरेशन आइटम देखें कितने खूबसूरत लगे, फ्लावर वगैरह ये जो है ना लेमन बने हुए थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे। और छोटे छोटे पॉट्स हैं लेकिन ये इतने एक्सपेंसिव, 4000 का पॉट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लैक कलर का, यानी कि ये जो फ्लावर सा बना हुआ है ना ये 4000 का था, इतना महंगा। तो खैर यहाँ से ये चीज़ तो हमने नहीं ली है, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान अपनी जेब के लिहाज से ये चीज़ खरीदता है, लाजमी नहीं है कि आपको मैं दिखा रही हूँ तो मैं इतना, हम भी जो हैं ज़ाहिर है बार्गेनिंग करके ही लेते हैं, कोई इतने कोई लैंडलॉर्ड नहीं है कि जो चीज़ आई उठा ली, सोच समझ के ही हर चीज़ ली जाती है। तो बस यहाँ से बच्चे जो है ना चीज़ें पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ज़फ़र अली की बर्थडे थी, तो ज़फ़र कहते हैं मामा मुझे कोई गिफ्ट दिला दें, तो उसके लिए हम चीज़ें यहाँ से देख रहे थे। बाकी ये फातिमा जो स्लाइम वगैरह देख रही थी, कहती थी स्लाइम ले दें। स्लाइम का ये मसला होता है ना, लास्ट टाइम भी इसने लिए लेकिन ये कि बेड पे उसने चादर पे लगाई और सारी ख़राब हो गई है। तो बच्चे बस ज़िद करते हैं हर चीज़ की, तो लाजमी नहीं हर चीज़ लेके दी जा सके। बस यहाँ से जो है बच्चों के टॉयज़, आपको पता है रंग बिरंगे कितने खूबसूरत लग रहे होते हैं, तो यहाँ से हम टॉयज़ देख रहे थे। और यहाँ पर बारबी के जो है सारा सामान था, अभी शुक्र है फातिमा ने देखा नहीं, तो फातिमा ज़िद करने लग जाती कि मुझे ले के दें। बाकी अहमद जिद कर रहे थे मुझे ना सामने जो स्कूटीज लगी हुई है ना कार वगैरह, वो मुझे ले दें, तो वो भी काफ़ी महंगे थे। तो हमने कहा इंशाल्लाह लेके देंगे, जब हम उसके लिए आएंगे स्पेशल तब लेंगे। और यहाँ जो है ये सारे करेक्टर लगे हुए थे, हल्क था, एवेंजर था, यानी कि सारे जो कुछ करेक्टर के मुझे नाम नहीं आते हैं। और बस यहाँ से मैं स्कार्फ पसंद कर रही थी, क्योंकि मुझे स्कार्फ चाहिए था, है तो काफ़ी सारे लेकिन फिर भी एक ज़ाहिर होता है कि नए से नया स्कार्फ हो,
तो बस यहाँ से स्कार्फ वगैरह देख रही हूँ। तो यहाँ काफ़ी खुला एरिया था, स्कार्फ भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। और यहाँ ड्रेसेस वगैरह ये जो थी कुर्तियाँ थी ब्लैक कलर की सिंपल कुर्तीज़ थी, और ये आई थिंक मेरे से 1400 की कुर्तीज़ थी, तो अच्छी लग रही थी ब्लैक कलर में ना। इसमें डिज़ाइन अलग अलग बने हुए थे, लेकिन ये कि कपड़ा अच्छा हो, जो लीलन का होता है ना आप सर्दी में वेयर कर सकते हैं, उस तरह का कपड़ा था, नरम और लचकदार सा अच्छा था। बाकी ये डेनिम की जो है ये भी कुर्ती टाइप बनी हुई थी, ये आप जीन्स पे या टाइट्स पे वेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ अब इतना ज़्यादा ये वाली नहीं जीन्स पे वेयर करती, तो इस वजह से जो है काशिफ को पसंद आती हैं, कहते हैं डेनिम की लो अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ से ड्रेसेस वगैरह देख रही हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेस थे इधर ना, और ये मीरप के लिए कुर्ती पसंद कर रही थी, मैंने कहा मीरप के लिए भी कोई कुर्ती ले लेती हूँ, काफ़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कुर्तीज़ थी छोटी छोटी सी। अच्छा ये कुर्तीज़ ऐसी हैं कि मैं भी वेयर कर सकती हूँ और मीरप भी वेयर कर सकती है, लेकिन ये कि घर में अक्सर मैं छोटी कुर्तीज़ वेयर कर लेती हूँ। और बस ये कि यहाँ से जो है अबायाज़ लगे हुए थे और यहाँ पर नाइटीज़ थी, तो मुझे रात को नाइट वेयर के लिए भी कुछ चाहिए था, तो वो भी मैंने लिया यहाँ से। बाकी ये ड्रेसेस जो है अनस्टिच ड्रेस थे, ये भी काफ़ी अच्छी, बस नॉर्मल क्वालिटी थी, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी ये वाली, हाई क्वालिटी भी थी नॉर्मल भी थी, मिक्स थे, यानी कि सारे जो आप अपनी रेंज के लिहाज से ले सकते हैं वो ले सकते हैं यहाँ से। तो बस यहाँ से जो है मैं कपड़े वगैरह देख रही थी, तो ये लोग अपनी जो है ना शूटिंग में लग गए, बच्चे सारे अपनी वीडियोज़ बना रहे हैं, तो मैंने आराम से शॉपिंग की। यहाँ मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया था और इसकी प्राइस थी 4500 यानी कि 4500 रुपीज़, तो ज़ाहिर है आप देख सकते हैं चीज़ के लिहाज से प्राइजेस का, दुपट्टा देखें कितना खूबसूरत है, और ये 3 पीस है, और जो इसका शलवार और शर्ट है वो एक जैसी है, और दुपट्टा इसका फैंसी है, और ये नीचे जो लगे हैं ये जो है ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन काफ़ी मोटा कपड़ा था, वो उसको कहते हैं ना वेस्कोस कपड़ा था, अच्छा लग रहा था सूट। और ये जो है ये बनारसी थे, जो मेरे पास भी ब्लैक और रेड कलर का बनारसी है ना, ये बहुत चले हैं, तो ये वो था। बाकी इधर जो है ये काशिफ को ये पम्पी बड़ी पसंद आई थी, पम्पी कह लें शूज़ कह लें, लेकिन ये इसकी प्राइस थी 3000, तो काशिफ तो कहते ले लो कोई बात नहीं मैं ले देता हूँ, लेकिन मैं जो हूँ ना इतना ख़र्चा करवाती नहीं हूँ, मैं बड़ा ख्याल कर लेती हूँ कि नहीं भाई हम पाँव में पहनी है ना, हम सस्ती भी लेके पहन सकते हैं, तो काशी कहते नहीं ले लो चीज़ लो अच्छी लो, चाहे महंगी हो लेकिन एक दफ़ा अच्छी ले लो ना। बाकी ये कि यहाँ पर आज पता नहीं अजीब था कि एसी वगैरह सब बंद थे, पूरा प्लांट बंद हुआ हुआ था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हमने बड़ी मुश्किल से जो है ना थोड़ी बहुत शॉपिंग जो है की है यहाँ से, तो बड़े मुश्किल हुई हमें, क्योंकि पंखे भी नहीं थे और एसी वगैरह पता नहीं कह रहे मीटर उतरे हुए थे या क्या मसला था, तो बस यहाँ से शॉपिंग वगैरह की है, हम नीचे आए यहाँ से पानी वगैरह ले रहे हैं, तो बस घर के लिए निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया हमें यहाँ, और बच्चे बहुत तंग हो गए थे, कह रहे हैं गर्मी हब्स हो गई बहुत ज़्यादा। मॉल तो बहुत पसंद आया, लेकिन बस हमारी बैड लक थी कि उस दिन वहाँ एसी जो है ना पूरा प्लांट बंद था, ऊपर नीचे सब जगह, तो बस यहाँ से हमने पानी लिया है, तो अब यहाँ से कोई जूस ले रहा है, कोई पानी ले रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक ले रहा है, सब ने अपनी पसंद की ली है, यहाँ से बिल बनवाया, हम बाहर आ गए और बाहर आके बैठे, हमने कहा थोड़ी सी हवा ले लें उसके बाद चलते हैं यहाँ से। हमने फिर मकई भी ली है, जो कॉर्न होती है कॉर्न, और वो कॉर्न जो है ना वो एक छोटा सा बाउल जो है ना 150 का, अभी आपको मैं दिखाती हूँ वो कितनी अच्छे मज़े से बनाते हैं, इतनी अच्छी और इतनी मज़े की थी। तो चलिए जी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें कमेंट्स भी करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें। तो चलें जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।